अभी आपको हम खबर देंगे। कौमी असेंबली इजलास 21 मार्च को बुलाने का ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। जरा ये बताते हैं कि सेक्रेटेरिएट को 21 मार्च से कबल तमाम तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। इस बारे में मजीद जानते सिद्दीक साजिद जी। सिद्दीक, जरा मजीद क्या कन्फर्म कर रहे हैं? जी, कौमी असम्बली के ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि स्पीकर ऑफिस की जानब से हमें 21 मार्च से कबल तमाम तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत की गई है, जिस पर हम काम कर रहे हैं। और 21 मार्च को इजलास बुलाने का भी ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। एक दो दिन में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और कौमी असम्बली इजलास असम्बली हाल में होगा। कौमी असम्बली हाल के तजीन पैश और मरम्मत तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और 21 को इजलास की सूरत में ख्याल जमान के लिए फातिहा खानी होगी। इजलास मुलतवी कर दिया जाएगा। 22 तक 24 मार्च तक यौम पाकिस्तान और OIC कॉन्फ्रेंस की तातील होगी। मार्च को दोबारा इजलास होगा और 2 या 3 दिन बहस और फिर तरीके पर वोटिंग होगी, जो कि ओपन और अराकीन की डिवीजन के जरिए होगी और उसी दिन नतीजे का ऐलान कर दिया जाएगा। जी, तो वोटिंग का दिन कौन सा बताया जा रहा है, क्या डेट दी गई है? ये 28 या 29, क्योंकि कम अज कम 3 दिन बहस होना जरूरी होता है। अब स्पीकर के ऊपर है कि वो 2 दिन बहस कराते हैं या 3 दिन करवाते हैं, लेकिन इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 28 या 29 मार्च को वोटिंग के जो वोटिंग है वो हो जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।